उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं लौकी का मिठाई बनाने जा रही हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसके लिए मैंने हाफ लौकी लूँगी, इसको कट करूँगी और उसको छील करके ग्रेटर से आप कद्दूकस कर लें। इधर मैंने और सामग्री लिए हैं, इलायची, देखिए मैंने इसे कद्दूकस कर लिए हैं। इसी तरह से आप भी कद्दूकस कर लें और इसका पानी निचोड़ लें। इधर मैंने चीनी लिए हैं, 50 ग्राम के लगभग चीनी है। घी लिए हैं, किशमिश है। अब मैं इसे गैस ऑन करके आप इसे पैन को चढ़ाएं गैस पर और घी डालें 4 से 5, 1 से 2 चम्मच के लगभग आप इसमें से घी डाल दें और इसे गर्म कर लें। देख सकते हैं घी गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ लौकी ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी इसे ऐड करके अच्छे से इसको भूनने अच्छे कर सकते हैं। मैंने इसे भून लिए हैं। इधर मैंने कुछ मलाई रखे हैं इस तरह का, इसको मिक्स कर ले अच्छे से इस तरह से और इसे भी आप इसमें ऐड कर लें। और अब आप इसमें 3 से 4 चम्मच के लगभग चीनी ऐड कर लें। आप मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने खोया डाले हैं उसके बदले आप मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं। उससे भी अच्छी बन जाती है मिठाइयाँ। इलायची पाउडर भी आप इसमें ऐड कर लें। फ्रीज करके प्लेट को रखें, चीनी लगा करके। अब आप इसको बटर पेपर पर घी ग्रीस कर ले। अब बटर पेपर पर तो ऐसे भी बिना घी डाले हुए भी आपका अच्छे से निकल जाएगा। इसे हल्के से फैलाते जाए, हल्का ठंडा हो। और बिना फ्रिज का बनने वाले ये बहुत ही आसान रेसिपी है, मिठाइयाँ हैं। आप इसे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बनाएं या रक्षाबंधन पे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। ये इस तरह से इसे करते जाए। अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं इसे कट करते हुए आप लोग को दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने इसको बिना फ्रिज का बनाया है ये बर्फी। आप इसे लड्डू का भी शेप दे सकते हैं। इसमें आप थोड़ा थोड़ा नारियल बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं ऊपर से जैसे ऐड कर ले, बहुत ही प्यारा लगेगा। किशमिश जो मैंने बताए थे उसे भी आप बीच बीच में इसे ऐड करते जाएं, डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीक़ों से बनने वाला ये रेसिपी है। प्लीज़ आप लोग रक्षाबंधन पर 15 अगस्त पे इसे बनाएं और कैसा बना उसे शेयर करें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैंने 2 स्टेप से इसे बताया है आप लोगों को। आपको जैसा पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। धन्यवाद।